कितनी मासूम है आप सकते ये मासूमियत ओवरफ्लो हो रहा है तुम्हारा मासूमियत है ना, इसको कंट्रोल में करो अपने मासूमियत को, नहीं तो किसी दिन गन निकल जाएगा ना और गोली वोली चल जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारे मासूमियत का। उफी मासूमियत, उफी मासूमियत। सॉरी मैडम सर, लेकिन अब तक आपने पूछा नहीं था ना सजेशन के लिए, तो मैंने सोचा नहीं, अब आप पूछ ही रहे हो तो फिर मैं सोच के बताती हूँ। मासूमियत ए भग, उठाकर बाहर फेंकेंगे तुमको थाने से अगर ये उफ़ी मासूमियत का रट्टा लगा तो आज के बाद। तुम्हें मासूमियत और जड़ बुद्धि में फर्क समझ में नहीं आता है? हाँ, उफ़ी मासूमियत, उफ़ी मासूमियत। उफ़ ये मासूमियत, मना किए थे मासूमियत का, मना किए थे ना? यस मैडम, यस। मासूमियत बहुत भारी पड़ा। उफ़ ये मारी जो थी दर्द कर रहा है। क्या कर रही हो संतोष जी? चीते उठ। अरे ऐसे मत ही ना करो संतोष जी, आपको मेरी पसंद। चीते उठ। कुछ कुछ बहुत हो गए संतोष जी, आप नहीं समझो। नहीं नहीं आप बोलो मेरे को संतोष जी, मैं नहीं आ रहा। चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। संतोष, मार्कशीट की रिपोर्ट आई, कई साल पहले आ गई थी मैडम सर, फुल मार्क्स से पास हुई थी। पापा ने बूंदी बांटी थी पूरे मोहल्ले में, देसी घी वाली। ये देखिए, ये ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था, ये बॉक्स में से क्या आया? क्या है ये, तो साबुन जैसा लग रहा है। तुझे देख के कोई भी कह सकता है कि आज से पहले तूने साबुन की शक्ल तक नहीं देखी है। म्यूजिक। जाओ लड़के वालों के लिए शरबत लेकर आओ। बदतमीज, लड़के वालों को ना शादी कैंसिल करवा देंगे। जाओ, हम कहते हैं लड़के वालों के लिए जल्द से जल्द शरबत लेकर आओ। ऑर्डर अपनी मैया को देना जाके। हर रोज छप्पर फाड़ के मिलने जाता था, किसी रोज उसने दूसरे से शादी कर ली। कमाल है, समझदार निकली। हमको तो इतना लगा है कि हमको तो लग रहा है कि हमको लगना ही बंद हो गया है पुष्पा जी। चीते एक दो बार मार पड़ी, वो आ करने लग गया, पुलिस में कैसे भर्ती हुआ तू? संतु ये तुम पूछ रही हो? पुष्पा जी आप पूछ रही हैं। करिश्मा सिंह ये आप पूछ रही हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब पुलिस में कैसे भर्ती हो गए।